कश्ती खाली वापस आ रही है। मेरा ख्याल है बेबी को पकड़ नहीं सकी। कश्ती? मैं कहता हूँ मेरी बेबी को एरोप्लेन भी पकड़ नहीं सकता, आखिर वो मेरी बेटी है। आया ख्याल के बीच में? जी हाँ, आजकल की लड़कियाँ बहुत तेज होती है। सब नहीं, सिर्फ सेठ के दाईलाल की लड़की कहो, लेकिन कब तक तेजी दिखाएगी? उसके पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, घूम फिर कर वापस आ जाएगी। लेकिन हुजूर आप भूल रहे हैं, हीरे की अंगूठी तो उनके हाथ में है। क्या कहा, हीरे की अंगूठी? अरे मार डाला। कैप्टन तमाम दोस्तों को खबर कर दो, अखबारों में तस्वीर छपा दो, रेडियो पे अनाउंसमेंट दे दो, सुमन की हर चाल पर नजर रखो, समझे? यस सर। ऐलान सुनिए, पब्लिक को खबर दी जाती है कि करोड़पति सेठ गिरधारी लाल की बेटी कम्मो कल उनके जहाज से कूदकर भाग गई है। जो कोई उसका पता लगाएगा उसे 1,25,000 रुपया इनाम दिया जाएगा। ये रेडियो सिलोन है, अब हमारा फिल्मी प्रोग्राम शुरू होता है। जी जी हाँ, मैं हूँ सागर, आपके अखबार नया संसार का लेखक। तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया है, जितनी कहानियां भेजी हैं सब की सब मोहम्मद और बकवास। तुम्हारी कहानियां पढ़कर ही मैं बीमार पड़ा हूँ, और अब बेंगलोर चेंज के लिए आया तो यहाँ भी दम नहीं ले देते। अजी अब के जो कहानी सुनाना चाहता हूँ बहुत ही उम्दा है, तबीयत खुश हो जाएगी सुन के आपकी। जोक से भेजिए, मैं बगैर पढ़े रद्दी की टोकरी में डाल दूंगा। जी अच्छा, तो आप यहाँ आकर मुझसे मिलना चाहते हैं, शौक फरमाइए। जी हाँ, अभी हाजिर होता हूँ जी। खबरदार जो यहाँ आए वरना सर फोड़ दूंगा। सुनिए, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि ये कहानी सच्ची है, आखिर आप मानते क्यों नहीं? जी बहुत खूब, वहीं आके सुनाता हूँ। अजी तबीयत ना फर्क उठे तो सागर नाम नहीं, याद रखिए 1,00,000 रुपए से कम फायदा ना होगा, और मुझे सिर्फ 1,000 रुपया चाहिए। अच्छा सिर्फ 1,000 रुपए? देखिए कल एक जोशी ने मेरा हाथ देखकर मुझे बताया है कि मेरी हाथ की रेखा में एक टटपूंजी लेखक का खून नजर आ रहा है, आप जरूर पधारिए। जी हाँ, बिगड़ते क्यों है, टेलीफोन रखे देता हूँ। अब फोन करने की क्या जरूरत है, मुलाकात तो हो ही रही है। क्या कहा, जहन्नुम में? जी नहीं, जहन्नुम में नहीं, बंगलोर में मुलाकात हो रही है। माफ कीजिएगा, आपको नहीं, वो बाहर एक खूबसूरत बला खड़ी है, उसको बड़े बदतमीज लोग हैं। जी आप नहीं, माफ कीजिएगा, मैं कह रहा था कि सामने बस खड़ी है बंगलोर के लिए, मैं अभी आता हूँ। Thank you.
कौन बोल रहा है? हाँ सुमन साहब है? नहीं है? क्या कहा? रेसिस? बैंगलोर गए हैं? अम्मा कहना वेणु अम्मा हमको बैंगलोर जाने का है। देखो तुम एक काम करो जी, तुम एरोप्लेन में फ्लाई करो, जल्दी पहुंच जाएगा। एरोप्लेन में? समझा समझा, तुम्हारा हार्ट बहुत वीक है, परवाही ले, डजंट मैटर, देयर इज वन ब्यूटीफुल आइडिया जी, तुम बस में जाओ, फेयर बहुत चीप है। दैट्स राइट, बस स्टैंड किधर है? चलो जी हम दिखाते हैं। नहीं जी नहीं जी, ठहरो जी ठहरो जी, बात यह है जी हम तुम्हारे साथ जाएंगे, इधर हमारे नौकरी जाएंगे जी, हम तुमको बताते हैं। देखो जी इधर से राइट हैंड में जाओ जी, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में जाओ जी, उधर एक पोस्ट का पोल है जी, उधर से लेफ्ट में जाओ जी, हाँ और लेफ्ट से फिर राइट में जाओ जी, उधर एक सिनेमा है, राक्षसी सिनेमा बोलते जी, उधर से यूं घूम करके जी तुम अमा 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 टिकट प्लीज। जगह पर बैठ जाइए साहब। जाऊं कैसे? पैरों से चलकर। मगर आप जो बीच में खड़े हैं, यहाँ एक चिड़िया नहीं गुजर सकती, मैं तो अच्छा खासा इंसान। संभल के कहीं बेचारे का दम न घुट जाए। माइंड योर ओन बिजनेस। अच्छा तो आप अंग्रेजी भी बोलते?